हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने इंग्लैंड के साथ 2 ओवर का एक पूरा मैच किया था, तो इस बार हमने सोचा इस बार 5 ओवर का करते हैं न्यूजील वेस्ट इंडीज़ के साथ। जर्सी थोड़ा मैंने देखा था, उसका कलर थोड़ा हम चेंज करना चाहेंगे, थोड़ा ब्लू। हाँ, अब ठीक लग रहा है, पहले थोड़ा डार्क ज़्यादा हो रहा था पर्पल की साइड, और मैदान का वो थोड़ा नाइट का ही रखेंगे। स्टार्ट करते हैं, प्लेयर्स को हमने सेम ही रखना था। टॉस क्या करते हैं हम, और हम इस बार टेल्स लेते हैं आज। जो अपोनेंट टीम है उन्होंने जीता है, कोई नहीं, और उनकी पहले बॉलिंग है। अभी जब हमारी बॉलिंग होगी हम आपको एक चीज़ बताएंगे इसमें, पर अभी हम पहले बैटिंग करते हैं क्योंकि हम टॉस हार गए थे। अब आप देख सकते हैं सेम तरीका है, स्विंग इस साइड है, प्लेयर इस साइड खाली है, हम ऐसे कर देते हैं सिंपली। और आप देख सकते हैं हमें 6 मिला है पहली ही बॉल पे। अब हम देख सकते हैं यहाँ स्विंग है और ये खाली है पर एरिया, हम यहाँ भी कर सकते हैं। पर देखिए हमें यहाँ पे रन मिला नहीं है क्योंकि हमारी टाइमिंग बेकार रही थी, पर हम आउट नहीं, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए थोड़ी। अब हम वापस स्ट्राइक कर सकते हैं, स्विंग भी है, बॉल की प्लेसमेंट इधर ठीक ही है। हाँ, हमें रन मिल सकते हैं बाउंड्री, और हाँ मिली है क्योंकि वहाँ पर फील्डर नहीं था, कोई फील्डर होता तो हम आउट होते। देख सकते हैं अब ये वाला एरिया खाली है, या फिर ये वाला हम ऐसे करते हैं, और जी हमें 4 मिला। क्योंकि अगर हम इस साइड रखते तो हमको प्रॉब्लम ये हो सकती थी, जैसे कि हमकी जो प्लेसमेंट होती है हमको बॉल को खींच के लेके जाना पड़ता, और अगर हम सामने लेते तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट थी नहीं, तो हमने इसको ऐसे रखा। और देख सकते हैं यॉर्कर बॉल थी तो हमने सिंपली इधर एरिया खाली था तो इधर कर दिया। और अभी हम देख सकते हैं ये वाला एरिया वापस खाली है, हम इधर कर सकते हैं। आप पे जैसे हमने बताया था आपको, एज लगा है हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन तो रन होते हैं। चलिए पहला ओवर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट ओवर। आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, बॉल भी वो भी इस साइड है, स्विंग भी इस साइड है, हम सिंपली इधर टच करके ले सकते हैं, मार सकते हैं रन। पर देखिए हमारा प्लेयर वहाँ पे आउट हो चुका है, हमको थोड़ा हमने जो हमारा जो कर्सर था हमने ऐसे लिया था, इनको हमें इसको ऐसे लेना था, कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट बैट्समैन ले लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये पहली बॉल डिफेंस की लग रही है क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास अच्छा मारने के लिए, तो हम डिफेंस भी कर सकते थे, पर हमारा वो अच्छा रहा तो हमें चौका मिल गया। तो इस समय ये आपको कहना बताना चाहते हैं कि अगर आपका लॉफ्ट ऑन नहीं है इसका मतलब तो ये नहीं आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी, छक्के की प्रोबेबिलिटी कम होगी पर चौके की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी। बस आपको फिर उसमें आपको बॉल इतनी ऊंची नहीं जाएगी और आपके आउट होने के चांसेस कम है। अब देख सकते हैं बॉल को हम ऐसे करके ले सकते हैं, और जी ऐसे ही लिया हमने और हमें 6 मिला है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यॉर्कर बॉल है, स्ट्रेट ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे फील्ड, यहाँ पे फील्ड खाली थी तो हमने ऐसे ले लिया है, पर हमारा फील्डर आउट हो चुका है क्योंकि हमारी टाइमिंग बेकार रही। टाइमिंग अच्छी होती तो परफेक्ट होता तो 6 होता, अगर गुड होती तो 4 होता, पर लेट रही तो हम आउट हो गए, कोई नहीं। नेक्स्ट बैट्समैन लेते हैं ईशान किशन, लेफ्टी बैट्समैन है, अच्छा ऑप्शन रहेगा मारने के लिए। देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये वाला दोनों एरिया खाली है, तो हम स्विंग इस साइड तो ऐसे ले लेते हैं, और आप देख सकते हैं हमें रन मिल गए हैं 4। ओवर ख़त्म हो चुका है तो नेक्स्ट ओवर करते हैं, अब खेलते हैं हम। देख सकते हैं ये खाली है, बॉल अच्छी लग रही है, ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए हमने इतना लेट किया है तो आउट होने के चांस तो हो ही सकता है, पर क्योंकि प्लेयर थोड़ा अंदर था तो हम आउट नहीं हुए। अगर ये जैसे उसकी प्लेयर की तरह पास होता एकदम 30 यार्ड सर्कल जो होता है ये, तो
जो इनर साइड होती है, तो हमारा प्लेयर आउट हो सकता था। देख सकते हैं वापिस एरिया वैसे ही है, वैसे ही कर लेते हैं हम। देख सकते हैं इस बार हमारी टाइमिंग अच्छी रही तो हमें 6 मिला। देख सकते हैं वापस वैसी टाइमिंग है, वैसे ही खेल लेते हैं हम शॉट को इस बार भी। पर देखिए हर बार टाइमिंग बेटर नहीं होती है, तो इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं रही तो प्लेयर आउट हो गया है। कोई बात नहीं, तो इस बार हम थोड़ा डिफेंस टाइप वाला खेलते हैं थोड़ा। उसके लिए सिंपली हमें लॉफ्ट को ऑफ रखना है। देख सकते हैं आप लॉफ्ट ऑफ रहेगा मेरा, और हम सिंगल सिंगल भी खेल सकते हैं थोड़ा। उससे हमारे सिंगल में रन बनेंगे और आउट होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे क्योंकि बॉल हवा में नहीं होगी। अब देख सकते हैं वहाँ पीछे एकदम फील्ड खाली है, तो ऐसे ले लेते हैं हम। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग रही तो हमें 6 मिला है। देख सकते हैं वापस ये जगह खाली, इधर मार लेते हैं हम। देखिए हेलीकॉप्टर शॉट धोनी से बेहतर कौन मार सकता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। नेक्स्ट ओवर खेलते हैं, 2 ओवर बचे हैं। आप देख सकते हैं एरिया खाली है, स्विंग भी इसी साइड है, स्पीड भी अच्छी मतलब ठीक ठाक है, तो इसी साइड ले लेते हैं हम शॉट एकदम पीछे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे फील्डर नहीं था। क्योंकि अगर हम इस साइड लेते तो फील्डर के पकड़ने के चांसेस रहते, क्योंकि इन सब साइडों में थोड़ा बड़ी होती है बाउंड्री। देख सकते हैं वैसे ही हमने सेम किया, हमें सेम रन्स, सेम रन तो नहीं, टाइमिंग थोड़ी बेकार रही होगी शायद इस बार, सेम जगह सेम शॉट। देख सकते हैं स्विंग इस बार है, जैसे हमने आपको दिखाया था पहली बॉल पे इनकी, ऐसे ले लेते हैं हम शॉट। देखिए इस बार हमने उस साइड से ले लिया 3 रन। अब देख सकते हैं वापस यही वाला एरिया खाली, इधर ही ले लेते हैं, स्विंग भी इसी साइड है। बस हमने वैसे ही वापस 4 रन ले लिए हैं। इस बार हम डिफेंस कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बॉल की प्लेसमेंट के हिसाब से रन मारने का शॉट नहीं था हमारे पास। इस बार हम ले सकते हैं बॉल क्योंकि उठकर आएगी ऐसे सिंपली। देख सकते हैं हमको वापस 6 रन मिले। और ओवर ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं ओवर में कितने रन आए, ऐसे विकेट्स आए ये बता देता है आपको। चलिए नेक्स्ट ओवर खेलते हैं, अब लास्ट ओवर होगा इस बैटिंग टीम का हमारे, क्योंकि 5 ओवर का रखा था हमने इस बार। पहले हम 2 के रखते थे, इस बार हमने 5 का रखा है आपके लिए सिर्फ। और देख सकते हैं वापस हेलीकॉप्टर शॉट धोनी जी से और 4 रन। देख सकते हैं पूरी स्विंग इसी साइड है, यहाँ खाली एरिया है, यहाँ पे है, पर स्विंग ऐसे जाएगी बॉल, तो हम ऐसे ले लेते हैं शॉट, क्योंकि बॉल की प्लेसमेंट ऐसे आती तो हमें ऐसे ही मार सकते थे, ऐसे में प्लेयर को इंजरी हो सकती थी। देख सकते हैं ऐसे ही खेल सकते हैं हम। अब आपको याद होगा पिछली बार हमारा प्लेयर ऐसे करके आउट हो गया था, पर हमने इस बार ऐसे रखा, पिछली बार हमने ऐसे रखा था, इस बार हमने ऐसे रखा। आप मेरे कर्सर को देख के देख सकती हैं, ऐसे रखा इस बार, पिछले हमने ऐसे रखा था तो इसलिए हमारा प्लेयर आउट हो गया था, पर हमने इस बार सही जगह पे किया तो हमारा प्लेयर बच गया। अब थोड़ा इधर हो जाते हैं जिससे बॉल की हमें जगह मिल जाए, क्योंकि स्विंग नहीं थी बॉल में बिल्कुल भी। अब देखिए जैसे हमने इसी पे हमारी टाइमिंग बेकार थी तो हमारा प्लेयर आउट हो गया था, पर पिछली वाली बॉल में हमारी टाइमिंग अच्छी थी, और हमारी टाइमिंग बेकार थी तब भी हमारी, पर हमारी प्लेसमेंट अच्छी थी। तो आपको प्लेसमेंट और टाइमिंग दोनों को ध्यान में रख के शॉट खेलना होता है अगर आपको 6 चाहिए। अगर आपको विकेट की बचानी है तो आपको प्लेसमेंट का अच्छे से ध्यान रखना ही होगा। देखिए हमने सिंगल ले लिया है, यहाँ पे लास्ट बॉल है, उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बॉलिंग का जो हमें आपको बताना था, पर कोई नहीं, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेयर के स्टैट्स, यहाँ पे मैंने 36/9 400 का स्ट्राइक रेट, आप देख सकते हैं क्या हुआ है। 5 ओवर का गेम था और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है ईशान किशन का 450 का। तो चलिए अभी हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।
थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और टारगेट भी हम आपको बता देते हैं एक बार, 120 रनों का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।